मैं तैयारी नहीं कर पा रहा हूं कोई बंद ऊपर में तो नहीं कर सकता जैसे नीचे आ गया है यहां पे खबर नहीं पाके से गेट और नहीं कर सकते यहां पे ट्राई उसके बाद दूसरे गेट पर जा सकते हैं आगे रोड से अच्छा पार्टी हो सकता है मेरे को आने के अब ये देखिए मुझे बार करा धन्यवाद वेरी वेरी गुड इवनिंग एक क्वेश्चन मुझे कराना है आज सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे हालांकि मैं सोच रहा था वो मैं डाल दू रिकॉर्ड करके लेकिन अब कराई देते हैं कोई बात नहीं मैंने मैसेज भी डाल दिया था लेकिन अब हमारी क्लास हो रही है कंटिन्यू तो कोई क्वेश्चन नहीं एक क्वेश्चन करना है और ये हर जगह एक ही क्वेश्चन रहता है और आने की संभावना पूरी है चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए कुछ हम बातों पे डिस्कशन कर लेते हैं डीलर क्या कहते हैं नहीं कहते हैं वो सारी बातें बस एक मिनट जे वीडियो, वीडियो।

नेट प्रॉब्लम सर वीडियो पॉज वो मैं कहीं और स्विच कर रहा था मैं नाउ क्लियर है फटाफट चेक कर लीजिए क्लियर है क्लियर है बताइए गुड इवनिंग नाउ क्लियर चलिए सर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा और एक कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे इसमें मान लेते हैं मान लेते हैं कि एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट ना काफी सालों तक चलने वाला वैसे भी मानना क्या है आपको पता ही है कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है कि जो एक बार में खत्म नहीं होता जो एक बार में खत्म नहीं होता है ना कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो कि एक बार में खत्म नहीं होता तो अब जो यहां पे एक पर्सन बैठा हुआ है यह है ठेकेदार यानी कॉन्ट्रैक्टर। और एक और पर्सन है सर यह कौन है सर यह है कॉन्ट्रैक्टी यानी यह है मकान बनवाने वाला यानी जिसको अपना घर बनवाना है और ये मकान बनाने वाला ठीक है ये क्लियर है आज की डेट पे इन्होंने एक साइन किया और बोला हम आपका मकान बना के देंगे और आपका मकान तैयार करके देंगे हम तीन साल में ऐसा डील हुआ तो जब डील हुआ तो डील के साथ साथ यहां पे बहुत सारी बातें भी लिखी होंगी और सबसे मजे की बात मैं बताऊं तो यहां पे एक बात भी लिखा होगा कि आपका मकान बना के देंगे और उससे हम आपसे कॉन्टेक्ट प्राइस लेंगे मान लेते हैं कि पचास लाख रुपए का डील डन हो गया पचास लाख रुपए का क्या हो गया डील डन हो गया पहले साल तो काम डन चला दूसरे साल सेकंड ईयर जैसे ही आया सेकंड ईयर के अंदर मान लेते हैं कि बहुत सारी चीजें बदल गई लेबर का प्राइस बढ़ गया मटेरियल सीमेंट वगैरह एकदम से हाइक हो गया तो ये होना ओबियस है कि आपको थोड़ी पता है कि कब लेबर कितना लेगा कई बार मैंने देखा है लेबर पचास रुपए भी लेता था एक दिन के आज लेबर पांच सौ रुपए भी ले रहा है एक दिन के तो बढ़ सकता है तो हुआ ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो हमने आज के हिसाब से तय किया है लेकिन जैसे ही हम आगे गए तो हुआ के अचानक से हमारा लेबर का प्राइस इंक्रीज हो गया मटेरियल का हो गया और भी बहुत सारे सिनेरियो ही चेंज हो गया पूरा तो ऐसे सिचुएशन में इसको क्या होने लग गया है नुकसान और आगे चल के और बढ़ेगा तो ऐसे सिचुएशन में इसको नुकसान होगा इसके पास दो ऑप्शन है या तो कॉन्ट्रैक्ट लॉस में कंप्लीट करे या बीच में से छोड़ के भाग जाए यही होता है नॉर्मली और जब लॉस दिख जाता है ना कि लॉस होगा तो भाग जाते हैं वो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट दर छोड़ के लेकिन बड़े बड़े डील में ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि रेपुटेशन मार्केट की बात है अगर एक जगह छोड़ के जाएगा तो दूसरा कॉन्टेक्ट भी तो ठेकेदार क्या करते हैं इस जो पेपर है ना इस पेपर में ही लिख देते हैं कि सर सब कुछ ठीक है और ये जो पचास लाख का डील है ये डील तब के लिए है कि हमारा लेबर और मटेरियल फ्यूचर में नहीं बढ़ेगा तब ये रहेगा अगर इन केस बढ़ गया हमारा लेबर और इन केस मटेरियल तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी उसी के हिसाब से फ्लेक्चुएट हो जाएगा लेकिन मालिक भी कहेगा यार तू कैसी बात कर रहा है अगले बार तो बोलेगा दस रुपए बढ़ गया पचास रुपए लेबर का बढ़ गया तो मैं पचास रुपए जोड़ के और दूंगा क्या तुझे बोला नहीं एक परसेंटेज लेते हैं टेंटेटिव ले लेते हैं कि अगर पंद्रह परसेंट तक फ्लेक्चुएशन हुआ तो कोई बात नहीं वो तो होता ही है वो हर जगह है लेकिन एकदम से साठ सत्तर का फ्लेक्चुएशन आ गया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा तो बोला पंद्रह परसेंट तक अगर फ्लेक्चुएशन रहा ना तो कोई बात नहीं है यानी सौ रुपए का सामान अगर एक सौ पंद्रह हो जाता है तो बोलता है आप मालिक टेंशन ना लो वो हम मैं उसके लिए मैं एडजस्टेबल हूं लेकिन अगर ये मान लो एक सौ बीस हो जाता है तो फ्लैक्चुएशन कितने परसेंट हो गया बीस परसेंट तो मैं बढ़े हुए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का मैंने पंद्रह सोचा तो बढ़ा कितना पांच रुपए बढ़ा कितना इस पांच रुपए का कुछ परसेंटेज मैं आपसे भी लूंगा नहीं तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा तो जब डील हो रहा था तो उसने ये बातें इसके बीच में रख दी जब ये बातें रख दिया तो इसको बोला जाता है एक्सप्लेनेशन क्लॉज क्लॉज का मतलब होता है कुछ बातें कुछ शर्तें रख दी एक्सक्लेट का मतलब होता है बातों को रख दिया उन्होंने तो मालिक क्या करेगा मान जाएगा अब हमारे अगले वाले जो कॉन्सेप्ट में होने वाला ना बड़ी सीधी से बात आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्या करने वाले हमारे अगले वाले कॉन्सेप्ट में यही होगा जब डील होगा ना जो कॉन्टेक्ट प्राइस वो कॉन्टेक्ट प्राइस नहीं रहेगा वो बढ़ जाएगा तो जब हम मालिक से ये बोलेंगे भैया पांच रुपए और एक्स्ट्रा दो पांच रूपये का आपको ना जितना बढ़े हुए प्राइस का उससे हम ज्यादा नहीं ले रहे उसका बीस परसेंट मुझे दे देना वो भी मैं बियर कर लूंगा तो बीस परसेंट एक रुपये होता है तो मेरा एक रुपए से सेल क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा पहले तो जो डब्ल्यू था वो था ही था और बढ़े हुए प्राइस का भी तो मैं कुछ परसेंटेज उससे ले रहा हूं तो जितना बढ़े हुए परसेंटेज ले रहा हूं तो वो भी कहीं ना कहीं मेरा क्या हो जाएगा सेल तो उसे भी कहां लिखेंगे हम बाय साइड में के क्लॉज लिख लिख दो दो या इंक्रीमेंट इन द मटेरियल एंड लेबर समझ में आ रही है बात आपको सेल यहां पे डब्ल्यू आएगा डब्ल्यू तो यहां पर आएगा ही आएगा वर्क सर्टिफाइड नॉट सर्टिफाइड और जो बढ़ा हुआ प्राइस आएगा वो भी आ जाएगा यहाँ पे ठीक है तो एक सवाल देखेंगे पूरा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा आपको सर क्या कहता है एक ही सवाल करने वाले हैं इसी में थोड़ा बहुत देखते हैं क्या कहता है नहीं कहता है पहले तो हम कर लेते हैं सर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट सीधी सीधी बात है कई बार पता है क्या सवाल जब मुश्किल होता है ना तो हम पहले अगर मुश्किल वाली बातों को पढ़ लेते तो थोड़ा समझ में कम आने लगता है तो हम क्या करते हैं पहले जैसे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट करते थे वही है वो पढ़ लेते हैं मैंने तो बता दिया पहले कि हम आज ये सीखेंगे जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए और प्रिपेयर हो पाओगे सर ये करने वाले हैं इस टाइप का ना सिर्फ एक ही सवाल साल होता है यहां पर देखने कई बार बहुत सारे बुक्स के अंदर मैंने सर्च करने की कोशिश करा कि इस टाइप का कोई सवाल मिला मिल जाए मैं बच्चों को दो तो हर जगह पे मुझे एक ही दिखा पेपर में भी यही सवाल आया हुआ है एक ही बार आया हुआ है तो उसी हिसाब से ये बना लिया मैंने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ठीक है चलिए सर सर फिर से समझा दो अभी समझेंगे अभी सवाल किया कहाँ है अभी सवाल किया ही नहीं है समझने का तो सवाल ही नहीं है अभी गुलशन कुमार सर आपने कॉस्ट शीट अरे कॉस्ट शीट का अभी क्वेश्चन रुक जाइए पहले इसको देख लेते हैं फिर कॉस्ट शीट पे आ जाएंगे ठीक है कॉस्ट शीट पे रुक जाइए तो सर बड़ी सीधी से बात है मटेरियल परचेज यहां आ जाएगा टू मटेरियल एक लाख मटेरियल के बाद क्या है वेजेस पेड टू वेजेस पेड कितने 45. और वेजेस में ना भी है कहीं जहां तक मैंने कराया है है ना आउटस्टेंडिंग तो इसलिए मैं इसे अंदर रखता हूँ बच्चों का क्या आ रहा है कौन सा क्लॉज एक्सप्लेनेशन अभी बता देंगे बता देंगे चिंता मत करो ये लो ठीक है अभी सवाल में लिखा हुआ है सब बताएंगे चिंता मत करिए पहले मुझे क्वेश्चन को पूरे मन से कराने दो फिर मैं आपकी मन की बात जानूंगा पैंतालीस हजार इसको अंदर रखें इसके बाद जर्नल एक्सपेंस टू जर्नल एक्सपेंस जर्नल एक्सपेंस सर कितने हैं दस हजार इसके बाद प्लांट प्लांट इधर ही आ जाता है क्योंकि हम क्लोजिंग बैलेंस लेते हैं सर प्लांट कितने हैं पचास हजार इसके बाद वेजेस oh, क्या है मटीरियल ऑन हैंड तो बाई साइड में आ जाएगा बाय क्लोजिंग क्लोजिंग में आ जाएगा मटीरियल कितने रुपए पच्चीस हजार इसके बाद वेजेस प्लस आउटस्टैंडिंग कितने पांच हजार दिफ्टी थाउजेंड वर्क सर्टिफाइड बाय डब्लू और इसके अंदर आएगा वर्क सर्टिफाइड वर्क नॉट सर्टिफाइड वर्क सर्टिफाइड कितना दो लाख नॉट सर्टिफाइड कितना है पंद्रह तो देखो सब नॉर्मल चल रहा है ऐसा कुछ है नहीं <laughs> कैसे रोल होता ही नहीं यहाँ पे डेप्रीशियशन ऑन प्लांट तो डेप्रीशियेशन कितना लगा प्लांट पे पांच हजार था पचास का तो हमारा प्लांट कितने का बच गया प्लांट बच गया पैंतालीस का तो सब सिंपल चल रहा है ठीक है यहां तक कोई दिक्कत किसी को अब मेन जो मुद्दे की बात है मैं वो पढ़ देता हूं कहता था अब कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्ड एंड एक्सप्लेनेशन क्लॉज तो बच्चे पूछ रहे थे सर क्या बोला आपने तो वो था एक्सप्लेनेशन क्लॉज इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ बातें और कुछ शर्ते थी एक्सप्लेनेशन क्लॉज का मतलब शर्तें कुछ शर्तें थी यहां पे ठीक है ना कुछ शर्तें और शर्तें क्या थी यहां पे कहता है इन द इवेंट ऑफ ऑफ प्राइस मटेरियल कहता है सर आपका जो मटेरियल का प्राइस है एंड रेट ऑफ वेजेस और जो वेजेस का रेट है बाय मोर देन फाइव परसेंट अगर ये बढ़ गया पांच परसेंट से ज्यादा पांच परसेंट से ज्यादा यानी सौ और पांच तक तो चलेगा अगर ये 106 हो गया तो प्रॉब्लम है द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विल बी अकॉर्डिंगली बाय 25 ऑफ रेज कॉस्ट मटीरियल कहता है भैया हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी बढ़ जाएगा 25 परसेंट और 25 परसेंट कितना समझिएगा अगर 105 होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जैसे ही 100 से ये 110 हो गया तो बताइए कितने परसेंट बढ़ गया दस परसेंट बढ़ गया तो पांच परसेंट तक तो हटा ही दीजिए बोला पांच परसेंट का तो कोई है ही नहीं कुछ बियोन्ड क्या कहता है बियोन्ड फाइव परसेंट ईच केसेस तो पांच परसेंट हटा दीजिए तो आपका पांच परसेंट अगर हटा दे तो हमारा एक्स्ट्रा कितना बढ़ा पांच रुपए बोला जितना एक्स्ट्रा बढ़ा उसका पच्चीस परसेंट मैं और लूंगा तो इसका मतलब वो कितना लेना चाह रहा है टू पॉइंट फाइव लेना चाह रहा है मैंने एक एग्जाम्पल लेके समझाया है बोला ये तो है क्लॉज ये तो है कानून जो कि मैंने लिख दिया अब एक्चुअल में हुआ क्या वो नीचे बता रहा है है एक्चुअल में हुआ क्या क्या वो नीचे ऊपर वाली लाइन बताता सर अगर हमारा किसी भी रीजन से मटेरियल और वेजेस का रहे हैं पांच परसेंट उस केस में हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ जाएगा पच्चीस परसेंट से और पच्चीस परसेंट हम रिकवर करेंगे लेकिन पच्चीस परसेंट किसका पांच परसेंट के बाद वाले बढ़े हुए अमाउंट का पांच परसेंट के बाद वाले बढ़े हुए अमाउंट का कहता है इट वॉज फाउंड अब मिला हमें क्या सिंस द डेट ऑफ साइनिंग एग्रीमेंट जिस दिन एग्रीमेंट किया प्राइस ऑफ मटीरियल एंड वेजेस इंक्रीज बाई ट्वेंटी फाइव परसेंट अब भैया जिस दिन हमने करा उस दिन पाया गया कि भैया हमारा 25 परसेंट से वेजेस और मटेरियल बढ़ गया इट वॉज फाउंड इसका मतलब सर ये दोनों प्राइस बढ़े हुए हैं पहले से इसके अंदर और नहीं बढ़ाना क्योंकि जो यहां पे प्राइस गिवन है ऑलरेडी बढ़े हुए हैं ठीक है तो क्या कहता है इट वॉज फाउंड द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड डज नॉट टेक इन टू अकाउंट इफेक्ट कहता है इसके अंदर ये इफेक्ट लिया नहीं गया है इसके अंदर ये इफेक्ट लिया नहीं गया है बड़ी सीधी सी बात बोली गई इसके अंदर ये इफेक्ट लिया नहीं गया है प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वर्किंग नोट क्लियरली तो सर इसके अंदर अगर इफेक्ट लेंगे तो इधर बाय साइड में और इंक्रीज हो जाएगा ना हमारा सेल ठीक है तो अब मुद्दे की बात चलिए समझते हैं मुद्दे की बात क्या है आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं बड़ी सीधी सी बात है कि मटेरियल कितना बढ़ गया तो अगर मैं मटेरियल की बात करता हूं तो बोला मटेरियल बढ़ गया है ट्वेंटी फाइव परसेंट तो मैं निकालता हूं मटेरियल तो सर मटेरियल जो यूज हुआ है वो एक लाख का था मटीरियल कितना था एक लाख उसमें से यूज कितना हुआ पच्चीस तो माइनस ही हो गया सर तो यूज कितना हुआ अल्टीमेटली सेवेंटी फाइव थाउजेंड का तो जितना यूज होगा उसी का तो बढ़ाएंगे हम जितना यूज होगा एक सेकेंड जितना यूज होगा उसी का तो बढ़ाएंगे हेलो तो मुद्दे की बात क्या है मुद्दे की बात यह है कि सर मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है कैमरा क्लियर तो आ रहा है ना सभी को विजुअल है कि नहीं है मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ब्लर ब्लर टाइप का आज क्यों दिख रहा है या मेरा मोनिटर खराब हो गया मिट्टी उट्टी तो नहीं जम गई यहां पे बच्चे कह रहे हैं ब्लर है एक सेकंड रुकिए चेक करते हैं शायद थिंक नाउ क्लियर हाँ अब बिल्कुल साफ दिख रहा है मुझे लग रहा था मेरी रोशनी उसने तो नहीं चली गई अब बताइए फटाफट ठीक है नहीं है ठीक अब क्लियर है ठीक है चलिए ठीक है तो चलिए तो मैं क्या बता रहा था देखो मटेरियल जितना इस्तेमाल करोगे उसी का तो बढ़ा हुआ कॉन्टेक्ट प्राइस का दोगे आप अपने सामने बहुत सारे स्टॉक लिया और बोलोगे भैया हम इतना स्टॉक लाए थे यूज हुआ नहीं तो इसका भी दे दो तो नहीं देगा तो पिछहतर हजार रुपए का मटेरियल इसमें यूज हुआ है पहले ये जवाब दीजिए हा या ना कितने का यूज हुआ पिछहत्तर और ये पिछहत्तर हजार भी वो है जिसके अंदर प्राइस बढ़ के इंक्लूडेड है मतलब मैं सीधी सी बात कहूं तो इस पिछहत्तर हजार का सर कितना परसेंट बढ़ा हुआ है सर इसका बढ़ा हुआ ये पच्चीस परसेंट बढ़ा हुआ है कितना बढ़ा हुआ है सर ये 25 परसेंट क्वेश्चन में कहता है कि इंक्रीज बाय 25 तो ये है हमारा एक सौ पच्चीस परसेंट के बराबर और हम पहले हंड्रेड परसेंट के बराबर लेते हैं तो सर जवाब आया यहाँ पे सर आपका ना साठ हजार रुपए का अगर इंक्रीमेंट नहीं लगता तो होना चाहिए इंक्रीमेंट की वजह से कितने का हो गया ये पिछहत्तर हजार पहले यहां तक देखिए यहां तक क्लियर हो रहे हैं सब कुछ क्लियर है यहां तक यहां तक किसी को दिक्कत है सर यहां तक किसी को दिक्कत है क्या मैंने क्या कहा कि मटेरियल हमारा जो दे रखा है यूज वो है सेवेंटी फाइव जो बढ़ा हुआ प्राइस था और ये वाला मटेरियल जो नहीं बढ़ता तो इतने का होता यानी अल्टीमेटली पंद्रह हजार रुपए हमारा प्राइस बढ़ चुका है पंद्रह हजार का प्राइस क्या हो चुका है बढ़ चुका है समझ में आ रही है बात आपको सवाल क्या कहता है यहां तक हर किसी को क्लियर है सवाल कहता है कि भैया पांच परसेंट तक बढ़ जाए छोटी मोटी बात है उसके ऊपर बढ़ जाए ना तो उसका मैं पच्चीस परसेंट ले लूंगा तो अगर मैं यहाँ पे लेके चलू ध्यान देना अगर मैं साठ हजार रुपए का पांच परसेंट निकालू तो साठ हजार रुपए का पांच परसेंट कितना होता है सर तीन हजार यानी तीन हजार रुपए तक जायज है उसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा आपका जो इंक्रीज हुआ है ना प्राइस इंक्रीज जो हुआ है वो टोटल पंद्रह हजार हुआ है जिसमें से तीन हजार रुपए का तो आपको टेंशन ही नहीं है, 25%. ये लाइन देखो ना, कहता है मैं कितना लूंगा उसका ट्वेंटी तो मैं इसका पच्चीस आपसे वसूल लूंगा इसका पच्चीस वसूल लूंगा जो कि तीन हजार है तो मैं बाय साइड में लिखूंगा कि एक्सप्लेनेशन क्लॉज की वजह से या इंक्रीज हो रहा है हमारा मटेरियल के केस में कितना इंक्रीज हो गया तीन हजार ऐसे ही मैं लेबर पे चेक कर लूंगा पहले देखिए ये समझ में आया तो फिर मैं अगले पे जाऊंगा पंद्रह हजार ये ना पंद्रह हजार कैसे आया एक्चुअल देखो पिछहत्तर अच्छा। और ये पंद्रह हजार में कहा से लिखू कहां से दिखाऊं कहां से दिखाऊं ये इंक्रीमेंट देखो मैं यहां लिख रहा हूं सेवेंटी फाइव के लगा और साठ का होना चाहिए था तो पंद्रह बढ़ गया ठीक है बताइए किसी को दिक्कत है तो देखो रोक देना यहाँ पे नहीं तो फिर आगे बढ़ जाऊंगा तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा सर प्लीज रिपीट पच्चीस हजार क्यों किया एक बार और रिपीट ठीक है मैं एक बार फिर मिटा के इसे करना चाहूंगा पहले सभी बच्चे मुझे यह बता दें कि सर हमें ना इनका डील और कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया है डील और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सर हमें यह पता चल गया है कि ये कहना क्या चाह रहा है सवाल में अगर आपको ये बातें पता चल गई इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं क्योंकि अब सवाल तो दिखाने का समय नहीं है सॉल्यूशन करना है हमें अरे एक बार और ठीक है मैं डील लिखता हूं हमारी डील हुई कि अगर मटेरियल और लेबर दोनों अगर बढ़ जाता है हमारा पांच परसेंट तो कॉन्ट्रैक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन बट अगर मटेरियल और लेबर दोनों बढ़ जाता है हमारा पांच परसेंट से भी ज्यादा बढ़ जाता है ठीक है ना पांच परसेंट से ज्यादा बढ़ जाता है इंक्रीज पांच परसेंट से ज्यादा हो जाए तो जितना पांच परसेंट से ज्यादा बढ़ा उसका पच्चीस परसेंट हम रिकवर कर लेंगे समझ में आई यही बात बोली है अब चेक करते हैं हम मटीरियल की बात करते हैं तो सर हमारा मटेरियल यूज कितना हुआ सर मटेरियल जो लगा सवाल में तो एक लाख है लेकिन क्लोजिंग स्टॉक भी तो है ना तो माइनस पच्चीस हजार रुपए कर दिया सर कहा है माइनस पच्चीस हजार ये रहा तो इसका मतलब सर हमारा टोटल जो मटेरियल यूज हुआ वो ओनली सेवेंटी फाइव थाउजेंड हुआ कहता है इट वॉज फाउंड फाउंड का मतलब भैया पहले ही सारा कारनामा हो चुका है पहले ही पाया जा चुका है तो इसका मतलब सेवेंटी फाइव थाउजेंड में ऑलरेडी इंक्रीमेंट लगा हुआ है 75,000 में क्या है तो इसका मतलब ये बढ़ के है तो हमें अगर पता चल जाए कि पहले कितना था तो हम परसेंटेज एक बार कर पाएंगे तो सर अगर ये बढ़ के है तो हमारा बिफोर इंक्रीमेंट कितना होगा तो सेवेंटी फाइव थाउजेंड में कितना जुड़ चुका है पच्चीस परसेंट बढ़ गया तो इसका मतलब एक सौ पच्चीस और सौ तो यानी हमारा बिना बढ़े कितना होगा साठ हजार यहां तक समझ में आया यानी पहले साठ का था अब हो चुका है पिछहत्तर जो कि हमने ऑलरेडी दिखा दिया है अब हम बात करते हैं टोटल कितना इंक्रीज हुआ टोटल इंक्रीज कितना हुआ सर टोटल इंक्रीज हुआ हमारा देखा जाए तो पिछहत्तर हजार का था और हो चुका है अब साठ का तो यानी हमारा पंद्रह हजार का इंक्रीज हो चुका है अब मेरी बात सुनना अब मैं क्या कह रहा हूं कि मैं कितने परसेंट ऐसे हैं जिसके लिए मैं आपसे कोई चार्ज नहीं करूंगा सिर्फ पांच परसेंट है तो अब पांच परसेंट किसका बिना बढ़े हुए प्राइस का तो अगर मैं पांच परसेंट यहाँ कैलकुलेट कर लू एक दिमाग में आइडिया ले रहा हूं कि सर पांच परसेंट का चार्ज नहीं करूंगा तो इसका मतलब सर अगर साठ का सामान था और अगर ये पांच परसेंट तक बढ़ जाता तो जिसका मतलब तीन हजार तो मैं उससे मांगता ही नहीं लेकिन बढ़ कितना गया है तो सर अब मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूं 5 का जो उन्होंने रिलैक्सेशन दे रखा है इसका मतलब सर हजार कितना हो रहा है? 3, रुपीस. 3, इसको दूसरे तरीके से भी कर देता हूं देखो हमारा कितना था सेवेंटी फाइव थाउजेंड का कितना था हंड्रेड डिवाइडेड बाय एक सौ पच्चीस ये आ गया कॉस्ट और 25 परसेंट बढ़ा है तो हमें 25 परसेंट बढ़ गया है पांच परसेंट का रिलैक्सेशन है तो मैं तुमसे कितना रिकवर कर लूंगा बीस बाई हंड्रेड तो देट इज आप कैलकुलेट करो यही आएगा आपका चेक करें नहीं बारह हजार आएगा कितना बढ़ाया ये बारह हजार आएगा तो डायरेक्ट आ गया ये बढ़ा हुआ जो कि मैंने तीन माइनस किया था ना ठीक है अब इसको और फॉर्मूले को शॉर्ट कर देते हैं देखो शॉर्ट करने को मैं इतना शॉर्ट कर दूंगा फिर आप कंफ्यूज ना हो जाओ बोला गया ये है हमारा पता है क्या और इसका मैं ले लूंगा पच्चीस परसेंट आपसे तो कहीं आप बीस और पच्चीस में उलझ के ज्यादा ना उलझ जाओ इसलिए मैंने डिटेल में भी कर दिया भैया जिसको जैसे समझ में आता है ना मैं तो कहता हूं कि आप वैसे कर लो ऐसा कोई मार्क्स आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा के कुछ करोगे तो आप इसका आंसर डायरेक्टली निकाल लिया मैंने तीन हजार समझिए मैं समझाने को फिर भी कोशिश करता हूँ समझा रहा हूँ लेकिन कई बार मेरा समझाना ना बच्चों के लिए मुसीबत बन जाता है तो इसलिए मुझे थोड़ा डर लगता है ये हमारा प्राइज इसको सॉल्व करने का मतलब है इस पार्ट को सॉल्व करने का मतलब है मेरा पुराना प्राइज आ गया ये पुराना यानी ओल्ड प्राइज आ चुका है और इसके ऊपर एक्स्ट्रा कितना बढ़ चुका है एक्स्ट्रा कितना बढ़ चुका है पांच परसेंट के बाद एक्स्ट्रा कितना बढ़ चुका है इसका मतलब बढ़े हुए का बढ़े हुए का मैं 25% परसेंट कवर करूंगा तो एक्स्ट्रा का 25% परसेंट कवर करूंगा तो मल्टीप्लाई करता गया और वहां तक मैं पहुंच गया ठीक है आप ऐसे समझिए चाहे आप ऐसे समझिए टोटल आपकी मर्जी है ये मैंने तोड़ तोड़ के बता दिया कुछ बच्चे बोलेंगे क्योंकि बच्चे किताब में भी कंपेयर करते हैं ना और किताब में कंपेयर करके और उससे समझ के मेरी जान में फिर आफत आ जाती है क्योंकि किताब में क्या कर रखा है पिछहत्तर पे अलग निकाल रखा है साठ पे अलग निकाल रखा है फिर माइनस प्लस प्लस करके कर रखा कर है तो बच्चा परेशान रहता है उसके अंदर पहले बताइए तो ये समझ में आ गया क्लियर है बच्चे कह रहे हैं सर ये वाला मेथड इजी है जिसको जो समझ में आता है वो समझ लीजिए ऐसा नहीं है कि आप इस वाले मेथड से करेंगे तो ज्यादा नंबर मिलेगा एग्जाम में और उस वाले से करेंगे तो शॉर्टकट से कम एग्जामिनर को मतलब ही नहीं है एग्जामिनर तो बोलता है बस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाइए बीस परसेंट पंद्रह हजार का देखो एक बच्चे ने बोल दिया बीस परसेंट बिल्कुल ठीक रहेगा डन तो अभी तो हम मटेरियल से निपटे अब किससे निपटना है वेजिस। वेजिस। वेजिस भी तो बढ़ा है ना वेजेस कितना बढ़ चुका है पचास हजार चलो वेजेस का इधर करते हैं वेजेस का इधर करते हैं चलो सर वेजेस के पास सर वेजेस जो यूज हुआ है पैंतालीस हुआ था और पांच हजार तो अभी देने भी बाकी है तो टोटल वेजिस यूज हुआ पचास हजार जो कि बढ़ चुका है कितना बढ़ चुका है सर वेजिस आपका पच्चीस बढ़ चुका है तो इसका मतलब सर ये भी हंड्रेड और डिवाइडेड बाय एक सौ पच्चीस दैट इज आपका कितना आ गया चालीस हजार यानी हमारा वेजिस चालीस होना चाहिए और ये तो इंक्रीमेंट कितना लग गया इंक्रीज कितना लग गया तो पचास हजार का बढ़ा के था और बिना बढ़ाए अगर नहीं बढ़ता तो हमारा होता चालीस तो इंक्रीमेंट लग गया दस लॉ कहता है यानी रूल कहता है कि भैया पांच परसेंट तक तो बीएरेबल है तो पांच परसेंट तक बियरेबल है तो पांच परसेंट किसका सर चालीस हजार रुपए का पांच परसेंट दैट इज आपका आ गया कितना दो हजार नहीं हाँ दो दो हजार दो हजार आ गया ठीक है एक्स्ट्रा कितना हो गया इतना इंक्रीज हुआ एक्चुअल में जिसमें से दो के लिए वो बोल रहा है चलो छूट है तुम्हारा तो नेट में कितना इंक्रीज हुआ नेट इंक्रीज नेट इंक्रीज हो गया आठ हजार अब बोलता भैया इस आठ का तो तुम्हें सारा नहीं देना इसका कितना रिकवर करेंगे तो रिकवर करेंगे सिर्फ दैट दैट इज इज कितना आ जाएगा हमारा का का एक बच्चे ने जो सवाल आंसर ऐसे भी कर सकते हैं चलिए मैं ऐसे भी करके दिखा देता हूँ इसके नीचे कैसे करेंगे सर हमारा टोटल कितना था सर पचास हजार पहले उसका कितने हंड्रेड डिवाइडेड बाय 125 ये आ गया हमारा पुराना कॉस्ट इसके ऊपर मैं पांच परसेंट छोड़ के तो बीस ही लूंगा ना। ये आ गया टोटल बढ़ा हुआ पच्चीस बटे में एक करोगे तो ये बढ़ा हुआ प्राइस आ गया सीधा पच्चीस बटे में एक करोगे तो क्या आ गया ये बढ़ा हुआ प्राइस आ गया आप इसका कितना लोगे बढ़े हुए प्राइस का कितना लोगे बीस परसेंट ये तो लोगे तो बीस बटे सौ कर दो ना देखना करके तो ये भी क्या आ गया ठीक है तो बहुत सारे तरीके हैं तो मैंने सारे कर दिए जिसको जो समझ में आता है वो कर सकता है ठीक है यानी मुद्दे की बात है सर यहाँ पे लेबर बढ़ेगा कितना और टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बस क्वेश्चन खत्म और क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं है ये क्वेश्चन में कोई जान नहीं है तो दो लाख पंद्रह हजार दो लाख पंद्रह हजार प्लस पांच हजार प्लस पच्चीस हजार प्लस पैंतालीस हजार टू नाइनटी टू नाइनटी माइनस एक लाख माइनस पचास हजार माइनस दस हजार माइनस पचास हजार अस्सी हजार टू सरप्लस अस्सी हजार बाय सरप्लस अस्सी हजार चेक करते जाइएगा ठीक है टू सी पी एल और टू डब्ल्यूआईपी रिजर्व बताइए 80000 आ रहा है अब देखिए कितने परसेंट काम कंप्लीट हुआ कॉन्ट्रैक्ट कितने का था भैया 50 लाख का था ये 5 लाख का 5 लाख का तो परसेंटेज कितना कंप्लीट हुआ सर वर्क सर्टिफाइड कितना है दो लाख तो दो लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख में 100 दो लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख में 2 में 5 कर देते हैं 40% तो 40% में कौन सा रूल लग गया सेकेंड वाला सेकेंड वाला रूल लगा देते हैं सेकेंड वाला रूल लगा देते हैं वाला रूल क्या कहता है सीपीएल सरप्लस इन टू में कैश रिसीव डिवाइडेड बाई वर्क सर्टिफाइड वन बाई थ्री सरप्लस कितना था अस्सी हजार अस्सी हजार का वन बाई थ्री इन टू में कैश रिसीव क्या था हमारा दो लाख पूरे पूरे डिवाइडेड बाई वर्क सर्टिफाइड लाख अच्छा तो दो लाख क्यों बता दिया डेढ़ लाख और दो लाख ठीक है तो अस्सी हजार बीस हजार आ गया चलिए ये आ गया सर बीस हजार ये बीस हजार और ये आ गया साठ हजार और आंसर हो जाता है इस तरीके से हमारा डन अस्सी हजार ऑनर्स वालों के लिए एक क्लास रह जाता है प्रोग्राम वालों के लिए ये टॉपिक खत्म हो जाता है पूरा जितने भी क्वेश्चन है जो आपको शीट दी जाएगी अगली क्लास के अंदर उसमें सारे क्वेश्चन डाल के दिए जाएंगे वो आपके होमवर्क में रहेगा सर लास्ट वाला पच्चीस पच्चीस एक सौ पच्चीस अगेन बताना नहीं भाई नहीं नहीं अगेन बताने वाला नहीं है वो मैं एक को बताऊंगा चार कंफ्यूज होंगे तो आपको जैसे भी पुराने वाला समझ में आ गया ना एक मेथड तो बढ़िया है पुराने वाला एक मेथड समझ में आ गया वो अच्छा है जो भी समझ में आ रहा है हाँ, मैं कुछ बच्चों का जॉब बैच का जॉब बैच का एग्जाम में सवाल नहीं आता वो थेटिकल आता है वो मैं बता दूंगा जॉब बैच होता क्या है वो थ्योरिटिकल आता है क्लियर बच्चे कह रहे हैं सर ये वाला बता दो इसके अंदर पता है क्या करा मैंने अब देख पता है क्या होता है नॉर्मली अगर ये पचास हजार है डिवाइड 125 कर दिया अब आपको जितना परसेंट रिक्वायरमेंट है वो लिख सकते हैं ऊपर आपको 25 है ना चलो मैं एक काम करता हूं बीस तो फिर तो बच्चा और परेशान हो जाएगा सर अब क्या कर दिया आपने इंटू में पच्चीस बटे में सौ अब कर लो अब भी आएगा दो ठीक है तो मैं जितना ज्यादा शॉर्ट करता जाऊंगा ना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता जाएगा और सबसे आसान तरीका मुझे ये लगा कि आपको जो चीज समझ में आ जाए और ये शॉर्ट आप आप कब कर सकते हो हम कब सीखेंगे जितनी बार प्रैक्टिस करोगे ना और जितना आप लगाओगे दिमाग तो उतना और ये सारी चीजें जब आप सेमेस्टर छे में जाओगे या फिर बच्चा सेमेस्टर पांच में जाता है ऑनर्स वाला तो मैनेजमेंट अकाउंट है तो वहां पर ये सारी चीजें बड़ी डिटेल में होती है चर्चाएं तो ये है इसका मतलब है सर हमारा कॉस्ट डिवाइड करते इक्वल आ जाता है जितने परसेंटेज चाहिए इन करते जाओ तो हमारा पांच परसेंट तक तो छोड़ रहा है मैंने बोला बीस परसेंट हमें चाहिए तो मैंने मल्टीप्लाई बीस कर दिया तो इसका मतलब ये बढ़ा हुआ प्राइस आ गया पांच परसेंट छोड़ने के बाद उसका भी कितना दूंगा पच्चीस परसेंट तो मल्टीप्लाई सीधा कर दिया पच्चीस परसेंट यहाँ वाले में क्या करा पच्चीस करा। मतलब टोटल इंक्रीमेंट कितना है टोटल इंक्रीमेंट का मैं पांच छोड़ ही दूंगा तो कितना लूंगा बीस तो बीस कर दिया मैंने यहाँ तो वो सोचने का अलग अलग तरीका है ठीक है ना बाय इंक्रीमेंट लिखा है बच्चे पता नहीं क्या कह रहे हैं यहां पे बोल रहे हैं भाई यहां पे देखो क्या लिखा है वही लिख देता हूं मैं। यहां क्या लिखा हुआ है आप बताएं बुक में देख के इंक्रीमेंट इसमें जो इंक्रीज हुआ है पांच हजार मेरे ख्याल एक्सप्लेनेशन क्लॉज ही लिखा होगा क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन ना आप वो लिख लेना कोई बात नहीं वो देख के लिख लेना तो आज की क्लास का बस मेरा एजेंडा यही था अगली क्लास के अंदर आपका क्या करवाऊंगा सिर्फ डाउट लूंगा जो कि हालांकि कुछ क्वेश्चन तो हमने कर लिए हैं बाकी के क्वेश्चन मैं दे दूंगा डाउट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के भी कुछ क्वेश्चन दूंगा उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है मंडे आज क्या फ्राइडे है ना यानी आज की तरह से खत्म होता है मंडे मंडे के बाद फिर हमारा वेडनेसडे होपफुली जो रिकंसुलेशन बोल रहे हैं रिकंसुलेशन नहीं तो मैं मंडे अगर किसी का डाउट नहीं हुआ तो उसी दिन मैं स्टार्ट कर दूंगा रिकंसुलेशन या फिर प्रोसेस जो भी बोलोगे जो जिसका इंटरनल पास आ रहा हो जिसका इंटरनल पास भी है ना तो कुछ बच्चे ये ना सोचेगा सर इंटरनल आ रहा है आप ये वाला करा दो ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो डाला हुआ है मैंने सारे चैप्टर्स का स्टेप बाय स्टेप और वो भी पूरे महेश्वरी मित्तल बुक का ही है आज मैंने आपको ये सवाल कराया आप रिकॉर्डेड लेक्चर में जाके देखो ये सवाल पहले से ही मैंने करवा के डाला हुआ है मैं हर बार अलग अलग तरीके से करा देता हूं तो वहां पे जाओगे तो मैंने कोई और तरीका फॉलो किया होगा यहाँ पे कोई तो वो आप समझ सकते हो जाके जो बच्चे कोर्स बाय कर रखा है तो मैंने लास्ट ईयर की सारी वीडियो पहले से डाल दिया पैसे से डालने का मतलब क्या है कि जिसका इंटरनल वगैरह है बोल रहे हैं सर हमारा तो ओवरहेड आ रहा है सर ये आ रहा है तो भैया वहां से देख के आप कंप्लीट कर लीजिए मैं बिल्कुल स्लो और अच्छे से लेके चलूंगा सिस्टमेटिक तरीके से वेजिस में सर आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे पहले पुराना रेट निकालने के लिए हाँ आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे जो कि हमारा पुराना क्योंकि इसी बार का खर्चा है ना आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है हमने खर्च को कर ही दिया तो चलिए गुड नाइट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर मुझे भी थोड़ा सा जल्दी निकलना था नहीं तो मैं उस सवाल को कर ही देता